नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीच पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक कॉमन पेपर के अंतर्गत आता है और इसका जो कोड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर सिलेबस को जानने के बाद आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कोर्सेज को जान सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला जैसे बीएचयू को लेते हैं तो बीएचयू में पीजी में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। इवन इस बार एलएलबी 3 इयर्स को भी इसी सिलेबस के अंडर में रखा गया है। सरप्राइजिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे करेक्ट करनी है वो मैं इसके फॉलोअप वीडियोस में करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड है वो ये है कि सर पहले आप ऊपर सिलेबस बता दो। तो ये डीप सिलेबस है, इसके पहले मैंने सेक्शंस की बात करी है कि 4 सेक्शंस आएंगे। अब यहां मैं बात करने जा रहा हूं एक डीप सिलेबस का, मीन एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है वो पूरा टॉपिक बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप अपनी सेल्फ स्टडी है या बीएचयू पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसे कर सको। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 9519383272 ठीक लिखा हुआ है, तो इस पे व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं कोड बताता हूँ कोड कौन सा है, ठीक है। देखो ये कोड है जनरल पेपर COQP11 यानी 11। ये जो भी कोड बच्चे अप्लाई कर रहे हैं CUET में किसी भी कोर्स के लिए, तो इट मींस कि आपका सिलेबस यही होने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं वो भले कोड को चेंज कर दे, कोर्स को चेंज कर दे, कहीं ना कहीं मे भी कभी कभी उनको जनरल पेपर का ही सिलेबस रिकमेंड किया गया। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप इसको कैसे जज करोगे कि हाँ आपके लिए है कि नहीं, तो आप इस कोड के कोड से इसको जज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आपको 4 पॉइंट में समझना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चीजें 4 सेक्शन में डिवाइडेड है वो यहाँ बताई गई है जो कि मैं भी डिस्कस करूंगा। और ये एक तरह से सब सेक्शंस है। अब हम लोग सब सेक्शंस की डीप चीजों को समझते हैं। पहला जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जनरल पेपर में इंग्लिश आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदी भी आएगा। और यहाँ पे एकदम बहुत ही क्लियरली मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, एक सजेशन दूंगा, हिंदी और इंग्लिश विल बी ऑप्शनल। आपको ये चूज करना है, आपको अपने एग्जाम में चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहो तो हिंदी या इंग्लिश के वहां पे जो भी क्वेश्चंस के सेट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। या जो माइंड में मेरे कमेंट में देखा था या लोगों को जो माइंड में आता है वो ये आता है कि सर क्या हिंदी इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा इंग्लिश चूज कर रहा है, इंग्लिश में क्या क्या देने वाले हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जो एरर्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, जंबल पैरा के बारे में दे रहे हैं, सेंटेंस कैसे बारे में दे रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इट मींस की पैसेज दिए जाएंगे उसमें से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आए पैराग्राफ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, ठीक है। फिर अब सोच रहे हो कि सोचो कि मतलब आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो वेटेज है वो ज्यादा नहीं रहेगा, 25 का सेट में भी बनाया, 20 का सेट बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, साइनोएंटो आपके यहाँ हो गए और इडियम फ्रेजेस हो गए। ये आपके इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी इंग्लिश का आपको देंगे, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ग्रामर रख दिए, इतना सारा वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन रख दिए, तो ऑलमोस्ट पूरा इंग्लिश तो आ ही गया है। जो अब एक यहाँ पे और डाउट क्लियर करूंगा कि इंग्लिश किसको चूज करना है, जिस बच्चे की भी स्टडी बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश में रही है वो आप मन करके इस इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज प्लीज जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ जाए कि हाँ इस सिलेबस को लेने के बाद पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो इंग्लिश को ना प्रिफर करें। समझ गए मेरी बात, मतलब ये सिलेबस यदि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है, बस इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बस स्टडी करना है, एक ओवरव्यू रखना है, बस एक आपको एक सर्जरी से देखना है, तो उसके लिए इंग्लिश है। जिसको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या है मैं आप बताता हूं आपको, उसके लिए ये है हिंदी। हिंदी में क्या क्या दे रहे हैं, हिंदी व्याकरण दे रहे हैं, अशुद्ध प्रयोग दे रहे हैं, ठीक है, और मतलब परिच्छेद का उचित क्रम दे रहे हैं, वाक शुद्धि दे रहे हैं, वाक परिष्कार दे रहे हैं, पाठ बोधन दे रहे हैं, वाक की पूर्णता दे रहे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द दे रहे हैं, ठीक है, समानार्थी एवं विलोम दे रहे हैं, मुहावरे एवं कहावते दे रहे हैं। मतलब कि बेसिकली जो हिंदी के शब्द से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। समझ लो मेरी बात, ये बहुत हार्ड नहीं है, आप इसको चाहोगे तो आराम से ज्यादा नहीं मुश्किल से 6 दिन में कंप्लीट कर लोगे, 6 दिन में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि जनरली इसमें फेमस क्वेश्चन ही ये लोग रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर मतलब जो बहुत फेमस एंशियंट मिडावल और मॉडर्न या अभी तक जो बहुत सारे अवार्ड विनिंग बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
हिस्ट्री हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है उसका बेसिक जो हिस्ट्री हो गई, कुछ बहुत ही फेमस आर्टिकल पार्ट शेड्यूल, कुछ आपके प्रीएम्बल से क्वेश्चंस, ये जो है बेसिक, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सीटें हैं, कब बढ़ी, भाषा संबंधित एजुकेशन राइट जो है, ये सब जो है बेसिक वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स बहुत फेमस है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी बारे में, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये जो है आप इसको आराम से चाहो तो टॉपिक वाइज बस गूगल करके अरेंज करके पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब पार्ट सिलेबस अगर कोर्स लोगे तो ये पूरा चीज मैं आपको एक प्रॉपर सिलेबस के अंडर में दूंगा। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी, जैसे कि लाइक आपका फेमस टॉपिक क्या होता है, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सन, और ज्योग्राफी में ये तो मतलब आपका एस्ट्रोनॉमी का पार्ट हो गया, स्टूडेंट का पार्ट हो गया। आप जब इसके और ज्योग्राफी में आते हो, मीन्स अर्थ के में आते हो, जैसे कि सॉयल, आपका जो सीजन है, मिनरल्स है, ये सब क्वेश्चन, क्रॉप्स हो गए, ये जो ज्योग्राफी के पोर्शन है वो इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। कल्चर भी, जैसे कि लाइक हमारे यहाँ बहुत सारे मोनुमेंट्स हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, मतलब इसमें सब कुछ आएगा। महाराष्ट्र में जो बना हुआ है, कैलाश हो गया, एलोवेरा हो गया, अजंता हो गया, इधर ताजमहल हो गया, ये सब कुछ आपके इस कल्चर में आने वाला है। थोड़ा रिलीजन में क्वेश्चन आएंगे, इतना समझ लो कि फिलोसफिकल एंड अध्यात्म दोनों इसमें जुड़ जाएगा। जो बहुत फेमस अपने इंडिया में रहे वो सब यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स की बात कर ले तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो उसके फंडामेंटल्स इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, आउटपुट या इनपुट, ये पूछा जाएगा। कंप्यूटर एब्रिविएशंस जो शॉर्ट होते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, यूपीएससी, जो क्योंकि मैक्सिमम इसमें एब्रिविएशंस बहुत सारे होते हैं, तो ये सब आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें जो जैसे लास्ट में कुछ अभी अपडेटेड मान लो कोई सुपर कंप्यूटर आया है या टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस ध्यान देना, जैसे कि पूछ लेंगे बीट्स, बाइट्स और जीबी, एमबी, समझ लो ये जो पूरा इसका सीरीज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपसे पूछे जा सकता है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गए, कंप्यूटर वायरस हो गए, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हो गए। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का है आप इसमें पढ़ने वाले हो। इतना ही नहीं, जैसे मैं बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दूं, थोड़ा बड़ा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा, इट मींस कि टेक्निकल टर्म, जैसे कि आपका आधार कार्ड में कितने नंबर है, समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक्स। या आप पूछ लेंगे कि अभी ये बैंक जो है, जैसे जनरली आरबीआई और एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई जैसे तो वो अभी रिसेंट में कौन सा प्रोग्राम चला रही है, कोई भी योजना जैसे योनो हो गया, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले बताया था क्लॉथ हो गए, कैलेंडर हो गए, एवरेज हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम से नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो मैं इसको अच्छे समझा दूं। क्लॉथ जो होता है एक तरह से इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जैसे कि इतने से इतने बीच में कितने एंगल का जो है वो बन रहा है। कैलेंडर की बात करें तो आपसे कैलेंडर में जनरली एक पर्टिकुलर टर्म में कितने ये डे आ रहे हैं पूछा सकता है, पास्ट में जाकर पूछा जा सकता है, फ्यूचर में जाकर पूछा जा सकता है कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, एवरेज ये भी पूरा कॉन्सेप्ट वाला चीज है। ठीक, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स है एजेस नंबर, ट्रेन हो गया, एलसीएम एससीएफ हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया। देखा जाए तो ये जो आपका मैथ का टर्म है पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान से एक दिन का टाइम निकालो, प्रॉफिट लॉस वारंटी ये सब एक दिन आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपका जो भी CSI है उसमें फार्मूला देखना है, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा भाई। जनरली वो लोग क्या करेंगे, आपका मान लो प्रिंसिपल अमाउंट दे दिए, रेट दे दिए, टाइम निकाल, तो फिर इसमें कोई एक वैल्यू मिस कर जाएंगे और वो आपको निकालना रहेगा। इट मींस कि सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा लाइनें भले दिखा सकते हैं लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है, जैसे कि इन सब में फार्मूला पता है तो आप आराम से लगा लोगे। ये सब का सब अर्थमेटिक का है। ठीक है, ध्यान देना कि ये बस अर्थमेटिक मैथ्स का एडवांस तो नहीं जा रहा है, एडवांस तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट मिनट में, देखो आप जोड़ा हुआ है ना वैल्यू में सरफेस एरिया, कैलकुलस की बात नहीं कर रहे हैं। आपको ज्योमेट्री में थोड़ा सा पता रहना चाहिए, जैसे कि हेमिस्फीयर का पेरीमीटर निकालना है या उसका आपका एरिया निकालना है, सर्कल हो गया या स्क्वायर हो गया,
समझ लो। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस जो है फार्मूला बेस्ड जो है, बेसिक फार्मूला पता होना, ट्रेपेजियम जो हो गया, ये सबका फार्मूला, ट्रायंगल हो गया, फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान लो, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम वर्क हो गया, पाइप एंड ठीक है हो गया, टाइम डिस्टेंस, लगभग ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर हो गए, बैंकर्स डिस्काउंट हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, देखो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सेट्स एंड यूनियन हो गया, ठीक है, परमुटेशन कंप्रेशन हो गया, थोड़ा सा हार्ड लेवल दे जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, और एरिया हो गया, अप्रॉक्स मतलब यूं समझ लो ना कि यहां से, कहां से, यहां से, ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क, मतलब एडवांस लेवल समझ लो, ये क्या है, एडवांस लेवल है, ठीक है, ये एडवांस लेवल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ना, पहले आप बाकी चीजों पर मेहनत करना, मानो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको लगेगा कि इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, तो आप मतलब एक फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट, हमेशा जहां ज्यादा आसानी से ज्यादा मार्क्स पाया जा सकता है वहां अप्रोच करो। अगर लगे कि ये हार्ड है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो बाद में इसको पढ़ना, अभी हम लोग बाकी आगे सिलेबस को देखते हैं। अब लास्ट में ये लॉजिकल रीजनिंग की बात, इसमें रैंकिंग टेस्ट, जैसे कि सीता और राम के बीच में रमेश बैठा है, लेकिन रमेश जो है वो इसके बीच में बैठा है, सबसे किनारे अब कौन बैठा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो आप बहुत ही शांत हो जाओ एकदम बिल्कुल मेरे जैसा, और ये सोचो प्रैक्टिकली कि आप तीन चार लोगों के बीच बैठे हो और इस तरीके से एक आप उनको पर्टिकुलर नाम दे रहे हो, फिर आप जज कर पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। लीनियर हो गए, अरेंजमेंट्स हो गए, मिक्सर क्या है, अरेंजमेंट्स हो गए, अच्छा मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक है, सीक्वेंसिंग हो गए, स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स हो गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशन हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज लगभग सब लोग कर लोगे, ब्लड रिलेशन कर लोगे, कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे, इन्फ्लुएंसेस कर लोगे, लगभग वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में कर लोगे, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट में कर लोगे, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी कर लोगे, डायरेक्शन भी आराम से कर लोगे, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग भी कर लोगे, मतलब आपको थोड़ा सा जो उनका फेवरेट टॉपिक है, देखो ये मैंने ऊपर टिक कर दिया है, ये वाला स्टेटमेंट वाले जितने भी हैं, कहां पे हैं, ये चारों, ठीक है, ये चारों टॉपिक आप प्लीज अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनका फेवरेट है किसका, एंड टीए, जो आपका एग्जाम कराने वाली कमेटी है, जो हमेशा मैं बोलता हूं एक विलेन है, तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे जो है वो फोकस करती है। आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, ओके, सो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग का एक माइंड मेकअप हो गया होगा कि हाँ को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, और मैं आपको बता दूं कि इस कॉमन सिलेबस को बहुत इजीली कवर किया जा सकता है विद इन 45 to 50 days मैक्सिमम, क्योंकि आप यूजी करके आए हो ऑलमोस्ट जो चीजें हैं, जैसे आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे क्या माइंडसेट बताता हूं मैं, वो एक ये हो जाता है कि मानो सपोज 100 questions आए, कितना क्वेश्चन आया, 100 questions आए, तो 100 में लगभग 40 questions ऐसा होगा जो कि इतना जनरलाइज होता है कि आपको ये लगेगा इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली आपको पढ़ने की जो जरूरत है ये 60 questions के लिए है। हाँ, लेकिन एक और बात बता दूं, ये जो 40 questions है ऑलमोस्ट हर कोई फॉर्म भरने वाला अटेम्प्ट कर लेगा, मैं बोला ना कि जनरलाइज क्वेश्चन देते हैं, सिलेबस का नाम ही है कॉमन और जनरलाइज सिलेबस, तो ऑलमोस्ट आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन कहानी 60 नंबर से बनने वाली है, तो अप्रोच होना चाहिए 60 questions को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। सो बीएचयू पाठशाला देखते रहे, उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, और आप कमेंट करिए आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ा के बता दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा, और बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करें, मुस्कुराते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।